दुती चांद का शो से सफर हुआ खत्म। जाने से पहले सुनाई दुख भरी कहानी। दुती चांद की एंट्री टीवी के रियलिटी शो झलक दिखला जा के सीजन 10 में बतौर वाइल्ड कार्ड हुई थी। 2 हफ्ते पहले ही उनकी एंट्री दिखाई गई थी। दुती चांद ने 2 हफ्ते में ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। दुती चांद एक धावक हैं और उन्हें नेशनल एथलीट के तौर पर पहचाना जाता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने टीवी के डांसिंग रियलिटी शो झलक दिखला जा में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि अपनी एक पहचान भी बनाई। लेकिन शो से दुती चांद का सफर खत्म हो गया है। दुती चांद ने अपनी परफॉर्मेंस के बाद ये बताया कि उन्हें गुजरात में होने वाले नेशनल स्पोर्ट्स के लिए बतौर पार्टिसिपेंट हिस्सा लेना है और इसलिए वो वहां जाना चाहती हैं। दुती चांद ने एपिसोड में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। कोरियोग्राफर सुचित्रा ने उन्हें डांस के लिए बखूबी ट्रेन किया और उनके साथ वो भरपूर तरह से सपोर्ट करते हुए भी नजर आई। दुती के डांसिंग परफॉर्मेंस को भी जजेस की तारीफ मिल रही थी। इतना ही नहीं, उनका परफॉर्मेंस उनके फैंस और दर्शकों को भी पसंद आ रहा था, लेकिन दुती को ये शो बीच में छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले दुती चांद ने एक दुख भरी कहानी सुनाई। शो के होस्ट मनीष पॉल ने जब उनसे पूछा कि उनके जीवन में किस संघर्ष के लिए उन्हें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, तो उन्होंने बताया कि 17 साल की उम्र में उन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी। दरअसल उन पर खेल के दौरान पुरुष होने का आरोप लगाया गया था और उन्हें महिला स्पोर्ट्स के लिए बैन कर दिया गया था। दुती ने बताया कि फिर उनकी मुलाकात एक वैज्ञानिक से हुई और वैज्ञानिक ने बताया कि आप महिला ही हैं, लेकिन आपके अंदर पुरुष वाले जो हार्मोन हैं वो ज्यादा उत्पन्न होते हैं, इसलिए इस तरह का आरोप तुम पर लगाया गया है और इसके लिए तुम्हें कोर्ट में लड़ाई लड़नी चाहिए। और उस लड़ाई को लड़ने के लिए दुती चांद को 7 समंदर पार स्विट्जरलैंड के कोर्ट जाना पड़ा, जहां न सिर्फ दुती ने संघर्ष की लड़ाई लड़ी बल्कि उसमें जीत भी हासिल की। दुती चांद की ये बात सुनकर जजेस और कंटेस्टेंट्स की आंखें नम हो गई थी। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुँचाएं।